नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे, बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। इस वक्त की बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से मिल रही है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है और घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। फरार बदमाश की तलाश पुलिस कर रही है। तमंचा, कारतूस, बाइक और फोन मौके से बरामद। जाटचा थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फरार बदमाश की तलाश में पुलिस जुट गई है। बदमाश और पुलिस में एक बार फिर से मुठभेड़। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। ये देखिए तस्वीरें, बदमाश के पैर में गोली लगी है जिसे पकड़ लिया गया है और उसको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। फरार बदमाश की तलाश में पुलिस जुट गई है। ये देखिए बाइक भी वहां से बरामद हो गई है। तमंचा, कारतूस, फोन भी वहां पर जब्त कर लिया गया है। ग्रेटर नोएडा से खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आ रहा है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। फरार बदमाश की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ग्रेटर नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। वही कानपुर हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र और एसपीआरए ने की थी बातचीत और देवेंद्र मिश्र ने एसपीआरए से एसओ विनय तिवारी की शिकायत की थी। विकास दुबे के पैर छूता था विनय तिवारी, तब इसकी सूचना विकास दुबे को विनय तिवारी ने दे दी होगी। तत्कालीन एसएसपी को 5 लाख देकर मामला सेट कर लिया गया। वायरल ऑडियो, 2 जुलाई की रात बिकरू गांव में विकास दुबे को दबोचने के लिए पकड़ने वाली दबिश से पहले का बताया जा रहा है। सीओ देवेंद्र मिश्र ने एसपी ग्रामीण से बातचीत में एसएसपी अनंत तिवारी का भी जिक्र किया। कहा कि विनय तिवारी 1.5 लाख में जुआ खिलाता था। जब मामला पकड़ा गया तो एसएसपी ने रिपोर्ट मांगी, लेकिन विनय तिवारी ने उन्हें 5 लाख रुपए थमा दिए। नतीजा कि मेरे रिपोर्ट देने के बाद भी विनय तिवारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीओ ने एसपी ग्रामीण से कहा है कि वे थाने के बाहर ही पहुंचे हैं, लेकिन आज विनय तिवारी फंसा है तो मदद मांग रहे हैं। तमाम बातें ऑडियो में वायरल हुई हैं, खुलासे हुए हैं यहाँ पर कई। 2 ऑडियो हैं विनय तिवारी से बातचीत के, आपको बता दें। इसके अलावा 2 अन्य ऑडियो सीओ और एसओ विनय तिवारी से बातचीत का है। राहुल वाजपेयी तमाम जानकारी के साथ हमारे रिपोर्टर लाइव जुड़ गए हैं। राहुल वाजपेयी, कई खुलासे हो रहे हैं, अब 2 ऑडियो वायरल हो रहे हैं, क्या कुछ पता लगा इसमें? मैं आपको बता दूं, ऑडियो 3 वायरल हुए जिसमें 2 विनय तिवारी और शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा के हैं। इसके अलावा जो तीसरा ऑडियो वायरल हुआ है उसमें शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा पूरी घटना एसपीआरए बीके श्रीवास्तव को बता रहे हैं कि किस तरीके कैसे तत्कालीन एसएसपी कानपुर अनंत देव तिवारी ने एसओ विनय तिवारी की मदद करी और कुख्यात विकास दुबे जो अब उस घटना के बाद ढेर कर दिया गया था उसकी किस तरीके से मदद करी। जो रुपयों के लेन देन की बात सामने आ रही है वो करीब 5 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। 5 लाख रुपए दूसरे थाने से पूरे मामले की जांच कराई गई जिसमें विकास दुबे जैसे कुख्यात को बरी कर दिया गया। पुलिस के द्वारा ये पूरा षड्यंत्र विनय तिवारी की तरफ से रचा गया था जिसमें तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी भी शामिल थे। ऐसा सीओ देवेंद्र मिश्रा आरोप लगा रहे हैं और ये पूरी बात वो एसपी ग्रामीण बीके श्रीवास्तव को बता रहे हैं। इसके अलावा विनय तिवारी ने मदद मांगने के लिए सीओ को फोन किया था जिसमें सीओ ने उन्हें खरी कोटी सुनाई थी कि अब तुम्हें मदद दिख रही, पहले नहीं समझ में आता जब जुआ करा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये पूरा एक अपराध का घर था जो एसओ विनय तिवारी और विकास दुबे चला रहे थे जिसमें जुआ भी चल रहा था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कई खुलासे यहाँ पर, जैसा आप भी बता रहे हैं कि 3 ऑडियो वायरल हुए हैं। विकास दुबे के पैर छूता था एसओ विनय तिवारी, ये तमाम बातें उसमें कही गई हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कानपुर हत्याकांड में अब नए खुलासे लगातार होते चले जा रहे हैं। छानबीन में कुछ और नया अपडेट मिला है, उससे आपको हम रूबरू करवा रहे हैं।
ये ऑडियो वायरल होने का मामला है। तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी पर गंभीर आरोप लगने अब शुरू हो चुके हैं। विकास दुबे और उसके साथियों ने सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या की थी। 2 जुलाई की रात बिकरू गांव में सीओ देवेंद्र मिश्र ने विकास दुबे को पकड़ने के लिए दबिश डाली और आपको बता दें सीओ देवेंद्र मिश्र ने कहा कि विकास दुबे के साथ एसओ विनय की जुगलबंदी भारी पड़ेगी, थाने में ही 2-4 को मरवा देगा। पूर्व एसएसपी पर सनसनीखेज आरोप लगे हैं। इस पूरे मामले में अपडेट आपको दे रहे हैं हम, कुछ और खुलासे भी यहां पर हुए हैं। विनय तिवारी से बातचीत के 2 ऑडियो हैं, एक अन्य ऑडियो भी वायरल हुआ है। तो एक ऑडियो में एसओ विनय तिवारी ने सीओ देवेंद्र मिश्र को विकास दुबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए कहा था। आगे बढ़ेंगे। पूर्वांचल में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। घाघरा, सरयू, गंडक नदी उफान पर है। कई गांव नदी के तेज बहाव में बह गए हैं, तो कई गांव अभी भी बाढ़ की चपेट में है। ग्रामीण पलायन करने को मजबूर हैं। टीवी स्क्रीन में 5 तस्वीरें देखिए, गोंडा, उन्नाव, महाराजगंज, श्रावस्ती और गाजीपुर, जहां बाढ़ का कहर जारी है, पलायन जारी है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और प्रशासन बड़े बड़े दावे करता रहता है, लेकिन हकीकत आपके सामने है कि 5 तस्वीरें देख सकते हैं आप, क्या हालात हुए हैं बाढ़ की वजह से, जिसके चलते लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। गोंडा, श्रावस्ती, महाराजगंज, गाजीपुर, उन्नाव में तांडव किस तरह से देखने को मिल रहा है मौसम का, और नदियां किस तरह से उफान पर हैं, किस तरह की व्यवस्था है लोगों को बचाने के लिए, वो सब तस्वीरों में बयान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो गोंडा में सरकार के तमाम दावों के बावजूद भिखारीपुर सखरौर बांध टूट गया है और बांध का करीब 60 मीटर हिस्सा नदी में समा गया है और घाघरा का पानी गांव में घुसकर तबाही मचा रहा है। बांध टूटने से लोगों के घरों में पानी घुस गया है और ग्रामीण गांव छोड़कर पलायन में जुट गए हैं। अफसरों की लापरवाही की वजह से नदी किनारे रहने वाले दर्जनों गाँवों के लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। सखरौर बांध टूटा है भिखारीपुर का, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जिसके चलते दर्जनों गांवों में पानी घुस गया है। गांव छोड़ने को ग्रामीण मजबूर हो गए हैं, पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। तो दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी घुसने के बाद प्रशासन राहत बचाव कार्य करने का दावा करता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया न्यूज रिपोर्टर अनुराग सिंह ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालात का जायजा लेने पहुंचे, दिखाते हैं आपको। नेपाल व पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के बाद घाघरा अपना रौद्र रूप धारण करते जा रही है, जिसके बाद गोंडा जिले में तरफगंज तहसील के अंतर्गत भिखारीपुर सकरौर बांध कटा गया है। हम इस समय इंडिया न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पे, आप देख सकते हैं ये वो भिखारीपुर सकरौर बांध है जो कल ये बांध कट गया है। कल ये दोपहर में 3 बजे के बाद ये कट गया है और लगभग ये बांध इस समय कटकर इन दोनों बांध के बीच में, मतलब इस बांध के बीच में 60 मीटर की गैप हो चुकी है। सिंचाई विभाग बड़े लाख दावे कर रहा था कि 25 करोड़ रुपये खर्च करके इस बांध को बचाया जा रहा है, उसके बावजूद ये बांध कटा है। इंडिया न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पर आप देख सकते हैं ये दोनों इस बांध के बीच में 60 मीटर की गैप हो चुकी है और लगातार ये गैप बढ़ता जा रहा है। वहीं अब ये नदी सीधे घाघरा की कलकल नदी जो ये सीधे घाघरा का पानी बैराजों से आ रहा है और सीधे अब गांव की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये खेत वगैरह की कटान करते हुए अब गांव में प्रवेश करा, इससे अब ग्रामीण परेशान हैं, अब ग्रामीण पलायन को मजबूर हैं। विभाग और जिला प्रशासन लाख दावे कर रहा है कि यहाँ पर लोगों को बचाया जाएगा, लेकिन आप साफ तौर पर तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पर महज कागजों में खाना पूर्ति हो रही है, किस तरीके से यहाँ पे बोरियों में बालू भर भर के सिर्फ इस बांध को बचाने की कवायद शुरू कर रही है, वहीं ग्रामीण पलायन को मजबूर हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासन के दावे कितने खोखले साबित हो रहे हैं। फिलहाल अभी ग्रामीण पलायन को मजबूर हैं और उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। इंडिया न्यूज़ ग्राउंड जीरो पर आपको दिखा रही है, एक एक मिनट की पल पल की खबर इंडिया न्यूज़ दिखाएगी किस तरीके से यहाँ पर ग्रामीणों को क्या दिक्कत हो रही है, किस तरीके से परेशानी हो रही है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि प्रशासन पलायन करने वाले ग्रामीणों को किस तरीके से मदद मुहैया कराएगा जिससे कि उनको कम से कम क्षति हो सके। गोंडा से अनुराग कुमार सिंह, इंडिया न्यूज। तो इंडिया न्यूज टीम बांध पहुंचकर प्रशासन की ओर से बांध बचाने की जमीनी हकीकत देखी है और ग्रामीणों से बातचीत कर हकीकत को जाना भी, दिखाते। गोंडा में सरकार के लाख दावे के बावजूद भिखारीपुर सकरौर बांध कट गया, आप देख सकते हैं हम इस समय बांध पर खड़े हैं। ये वो भिखारीपुर सकरौर बांध है जहां पर कल कटा ये बांध कटा है, जिसके बाद इस बांध में दो बीच में गैप हो गया है, लगभग 60 मीटर से ज़्यादा की ये गैप हो गया और लगातार ये गैप बढ़ता जा रहा है।
विभाग लगातार दावा कर रहा है कि बांध को बचाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये बांध कट गया और इस बांध पर लगभग 25 करोड़ रुपए खर्च करके इस बांध को बचाने की कवायद शुरू की गई थी, लेकिन सरकार के दावों की पोल कल खुल कर रह गई जब ये बांध कट गया। इसी पर हमारे साथ ग्रामीण है बात करने के लिए, हम जानेंगे किस तरीके से ये बांध कटा, क्या है समस्या यहाँ की, बताइए जी। क्या नाम है आपका? रामू। क्या दिक्कत है यहाँ पे, कैसे बांध कट गया? लापरवाही पर कट गया। कैसे, कब कटा है बांध? 3 बजे। फिर कैसे, क्या हुआ? 3 बजे के बाद कट गया, वह का हो। हाँ, और भी लोग ऐसे जानेंगे किस तरीके से बांध कट गया, क्या दिक्कत है? अरे साहब, हमसे यहाँ तो बांध कट चुका रहा है। हाँ, बांध कटा रहा हमारे यहाँ टेंशन, वहाँ कोई घर लंबे पड़ते हैं। ऐसे जब समय रहता है तो बांध नहीं बनाते अधिकार? हाँ, तब कहाँ बनाते हैं। फिर कैसे, क्या करते हैं? अभी असार में बांध बांधने शुरू हुए थे, पहले काम ही नहीं लगा थे, अब आखिर कट गया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ग्रामीणों का कहना है कि जब समय रहता है तो विभाग के अधिकारी वह यहाँ पर काम नहीं लगाते हैं और यहाँ पर बंधे पे कोई काम नहीं होता है, जब बारिश का सीज़न आया है तो फिर से बांध पे काम लगाया गया है, जिसके बाद बांध कट गया है, अब ग्रामीण पलायन को मजबूर हैं। अब देखने वाली बात होगी, प्रशासन जो दावे कर रहा था कि लोगों को जनहानि कम की जाएगी, किस तरीके से कर पाता है। गोंडा से अनुराग कुमार सिंह, इंडिया न्यूज़। घाघरा नदी का कहर लगातार जारी है, गांव छोड़ने को ये लोग मजबूर हो चुके हैं और ग्रामीणों की समस्या भी आपने सुनी। ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर वहां पर बने हुए थे, किस तरह के हालात हैं उससे हमने आपको रूबरू करवाया है। लोगों का भी साफ तौर पर यही कहना है कि ये बांध सिर्फ और सिर्फ लापरवाही की वजह से टूटा है, दर्जनों गाँवों में पानी जिसकी वजह से घुस रहा है। तो बाढ़ का कहर, घाघरा नदी का कहर लगातार जारी, जिसके वजह से पलायन करने को ये ग्रामीण मजबूर हो गए हैं। सिकरौर जो बांध है भिखारीपुर का, वो टूट चुका है, लापरवाही इसके पीछे की वजह मुख्य बताई जा रही है। खतरे के निशान से ऊपर घाघरा बह रही है, 60 मीटर हिस्सा नदी में समा गया है बांध का, दर्जनों गांवों में जिसकी वजह से पानी घुस रहा है, ये तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। संपर्क भी ग्रामीणों का गांवों से टूटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ग्रामीण काफी परेशान हैं। उनका यही कहना है कि लापरवाही की वजह से ये बांध टूटा है, जिसकी जद में समस्याएं साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। खतरे के निशान से ऊपर पानी बहता हुआ आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। भिखारीपुर सकरौर बांध टूट चुका है, लापरवाही इसके पीछे की मुख्य वजह ग्रामीणों ने बताई है, जिसके वजह से घाघरा नदी काफी उफान पर बहती हुई नजर आ रही है। 60 मीटर हिस्सा नदी में समा चुका है बांध का, तस्वीरों में भी देख सकते हैं आप, कहीं पर भी बांध नजर नहीं आ रहा है, इतना ज्यादा यहाँ पर पानी बह रहा है, जिसकी वजह से जो मजदूर हैं, जो ग्रामीण हैं, वो काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, वो पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। घाघरा नदी का ये कहर है, ये तस्वीरें देखिए, दूर दूर तक पानी और किसी भी तरह से कोई संपर्क नहीं दूसरी तरफ हो सकता है, क्योंकि बांध 60 मीटर नीचे पानी के जा चुका है, 60 मीटर का जो हिस्सा है बांध का वो पानी के नीचे घुस चुका है, जिसके वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। घाघरा नदी का कहर रफ्तार के साथ बढ़ता हुआ, अनुराग हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर। अनुराग, जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, बांध का जो 60 मीटर का हिस्सा है पानी के नीचे धस चुका है, जो ग्रामीण थे वहां पर वो भी यही कह रहे हैं कि लापरवाही की वजह से ये बांध टूटा है और साफ तौर पर पलायन करने को ये ग्रामीण मजबूर हो गए। संपर्क नहीं हो पा रहा, खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बलिया से, पीसीएस अधिकारी बड़ी मंजरी राय हत्या मामला, आरोपी नगर पंचायत अध्यक्ष भीम गुप्ता फरार घोषित और शासन ने एसडीएम बांसटी को बना है प्रशासक, आरोपी सिकंदरपुर ईओ से भी चार्ज लिया गया है। बलिया से खबर आपको बता रहे हैं, आरोपी सिकंदरपुर ईओ से भी लिया गया चार्ज, लगातार अनुपस्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शासन ने एसडीएम बांसटी को बनाया है प्रशासक, आरोपी सिकंदरपुर यूओ से भी चार्ज ले लिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, खबर बलिया से है, पीसीएस अधिकारी मणि मंजरी राय हत्या का यह पूरा मामला है, आरोपी नगर पंचायत अध्यक्ष भीम गुप्ता
फरार बताया जा रहा है और शासन ने एसडीएम बास्ती को प्रशासक बना दिया है। सिकंदरपुर रियो से भी चार्ज ले लिया गया है जो कि इसमें आरोपी बताए जा रहे हैं। लगातार अनुपस्थिति को देखते हुए ये बड़ा और अहम फैसला लिया गया। बलिया से खबर आपको बता रहे हैं, पीसीएस अधिकारी मणिमंजरी राय हत्या मामला और इस पूरे मामले में बड़ा फैसला लिया गया है। आगे बढ़ेंगे, यूपी पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। अपने क्षेत्र में एक बार फिर से योगी की पुलिस पिट गई है और विंध्याचल में प्रसिद्ध विंध्यवासिनी मंदिर पर पंडा को पकड़ने गए पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया है। हमले में दारोगा गंभीर रूप से घायल हो गया है। 3 पुलिसकर्मी को भी चोटें आई हैं और पिटाई के कारण दारोगा रवि एकांत मिश्र के सिर में चोटें आई हैं। मंदिर सुरक्षा में तैनात दारोगा भगवान और पुलिसकर्मी दीप नारायण और साथी संतोष को भी हमले के दौरान चोटें आई हैं। वहीं पूरे मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी पंडा पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। हमले में दारोगा गंभीर रूप से घायल, एक बार फिर से यूपी पुलिस पिट गई है। पंडा को पकड़ने गई पुलिस टीम पर यह पूरा हमला हुआ है। किस तरह कानून व्यवस्था है, किस तरह खाकी का खौफ है मिर्जापुर में, वो आप इस खबर के माध्यम से समझ सकते हैं। पंडा को पकड़ने गए पुलिस टीम पर यह बड़ा हमला हुआ है और आपको बता दें कि एक बार फिर से यूपी पुलिस पिट गई है। खाकी का खौफ जरा सा भी नजर नहीं आ रहा है। पंडा को पकड़ने गए पुलिस टीम पर यह बड़ा हमला। फिलहाल आपको बता दें कि दबंगों ने पुलिसकर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। इस मामले में सफाई भी पेश की गई है पुलिस के द्वारा कि जो आरोपी है पंडा उसे पकड़ लिया गया है और जांच जारी है लगातार। लेकिन एक बार फिर से सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं यूपी पुलिस पर। मिर्जापुर की तस्वीर जहां पर एक बार फिर से पुलिसकर्मी पिट चुके हैं। पंडा को पकड़ने गए पुलिस टीम पर हमला, दौड़ा दौड़ा कर पुलिसकर्मियों को पीटा गया है। वहीं गाजियाबाद के मसूरी टोल प्लाजा से मारपीट का वीडियो सामने आया है। आरोप है कि लग्जरी गाड़ी से आए युवक ने खुद को इलाके के विधायक का भतीजा बताया और साथ ही टोल देने से इनकार कर दिया। जब टोल कर्मियों ने आग्रह किया तो कुछ और लड़के भी बुला लिए गए और मारपीट शुरू हो गई। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये सीसीटीवी फुटेज है जो कि वायरल हो रहा है। टोल प्लाजा की ये तस्वीरें जहां पर अपने आप को विधायक का भतीजा बताकर टोल देने से इनकार कर दिया गया। मसूरी टोल प्लाजा पर ये मारपीट की तस्वीरें हैं। दबंगों ने टोल कर्मियों से मारपीट की है। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद। जतिन गोस्वामी हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर। जतिन, ये जो मामला सामने आ रहा है, ये वीडियो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये क्या है पूरा मामला? देखिए, मसूरी में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस का टोल प्लाजा है जहां पर कुछ लड़के जाते हैं। से जो मुख्य लड़का होता है वो टोल टैक्स देने से मना कर देता है। जब टोल कर्मी आग्रह करते हैं तो ये लोग मारपीट पर आमादा हो जाते हैं। पीछे भी एक गाड़ी आ रही होती है, उसमें से भी लड़के उतरते हैं और टोल कर्मी के साथ मारपीट करते हैं। उसी का ये अंश है वीडियो, और इसमें भी मारपीट साफ तौर पर देखी जा सकती है। टोल प्लाजा पर महिला भी मौजूद थी, उस समय महिला कर्मी भी बताई जा रही है। और निश्चित है टोल कर्मियों में काफी दहशत का माहौल रहा, लेकिन अब टोल के मैनेजर की तरफ से मसूरी थाने में ही एक मुकदमा दर्ज कराया गया। हैरत की बात यह है कि जिस शख्स ने ये मारपीट शुरू की, जो गाड़ी में आया था, वो खुद को विधायक का भतीजा बता रहा था, स्थानीय विधायक का भतीजा। पुलिस अब इस मामले पर जांच कर रही है कि क्या वाकई वो भतीजा है भी या फिर रसूख दिखा रहा था और टोल कर्मियों से मारपीट के लिए उसने इस रसूख का गलत तरीके से इस्तेमाल किया था। किस विधायक का भतीजा, किस विधायक का भतीजा बताया जा रहा था जतिन? देखिए, इलाके के स्थानीय विधायक, मसूरी इलाके के जो स्थानीय विधायक है उनका नाम है असलम चौधरी और वो बसपा से विधायक है। उनका भतीजा इसने खुद को बताया था। हालांकि जैसा की हम बता रहे हैं की अभी मसूरी पुलिस इस बात जाँच करेगी की क्या वाकई ये भतीजा है या नहीं है, लेकिन गुंडागर्दी की लाइव पहले भी इसी टोल प्लाजा पर कैद हो
जो कर्मी है उनमें काफी दहशत का माहौल है। ये जो गुंडे हैं, ये जो लड़के बुलाए गए थे, इनको नामजद कर लिया गया, इनकी पहचान हो चुकी है? देखिए सीसीटीवी के आधार पर इनमें से कई की पहचान हो चुकी है और पुलिस कह रही है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जी ठीक है, जतिन गोस्वामी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है, जिसके आधार पर कार्रवाई जारी। आगे बढ़ेंगे, समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण समीकरण साधने की कवायद तेज कर दी है और समाजवादी पार्टी लखनऊ में परशुराम की सबसे बड़ी मूर्ति लगवाएगी और इसके लिए सपा नेता जयपुर पहुंचे हैं, जहां से ये तय होगा कि मूर्ति का आकार कैसा होगा। कुछ दिन पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के ब्राह्मण नेताओं के साथ मीटिंग भी की थी, जिसमें मनोज पांडे, माधव प्रसाद पांडे और अभिषेक मिश्र के साथ नरेश उत्तम को राजेंद्र चौधरी भी शामिल थे। इस बैठक में यह तय हुआ था कि लखनऊ में परशुराम की सबसे बड़ी मूर्ति लगाई जाएगी और अब इसको लेकर कवायद भी तेज हो चुकी है। हम आपको अखिलेश यादव के साथ पार्टी के ब्राह्मण नेताओं और भगवान परशुराम के साथ सपा नेताओं की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। अखिलेश ने ब्राह्मण नेताओं के साथ अहम बैठक भी की थी। वहीं सपा नेता मनोज पांडे और अभिषेक मिश्र का कहना है कि भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाना राजनीतिक एजेंडा नहीं है, हम चाहते हैं कि भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी की एक मूर्ति लखनऊ में लगे। और इस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने पलटवार करते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी हमेशा ही अल्पसंख्यकों और यादवों की राजनीति करती आई है, लेकिन अब इन्हें ब्राह्मण याद आने लग गए। प्रभु श्री राम हम सबके लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे विश्व के लिए आस्था का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, पितृज्ञा का प्रतीक है, त्याग के प्रतीक है। और शायद हम लोग जो राजनीति में हैं उनके लिए राजधर्म अगर किसी से सीखना हो तो उसमें प्रभु श्री राम अपने आप में एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क है। हम सब लोग अगर उनके रास्ते पे चलते हुए एक छोटा सा अंश, एक कोटि हिसाब कण भी उनका हासिल कर सके तो मुझे लगता है हम सबका जीवन सफल हो जाएगा। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, राजनीति एक बहुत छोटा चश्मा है और भगवान परशुराम जो कि स्वयं सृष्टि के निर्माता हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, भगवान प्रभु श्री राम से पहले उनका जन्म हुआ जो कि त्रेता और सतयुग की संधि काल पे हैं और आज चिरंजीव हैं तो आज भी यहाँ पर हैं। तो ये पूरा एक समाज में हम लोग भगवान का बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी आस्था है, बहुत सारे ग्रंथ हैं उनके ऊपर, लेकिन लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में की पावन भूमि पर हम लोग विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, भगवान की सबसे बड़ी प्रतिमा की स्थापना के मकसद से निकले हैं और इसका किसी तरीके की किसी भी राजनीति से कोई लेना देना नहीं। लेकिन कि हमारा जो मिशन है उसके पीछे उद्देश्य पॉलिटिक्स कहीं नहीं है। हमारा मिशन है सेवा का, हमारा मिशन है हमारे समाज के जो गरीब लोग हैं, हमारे समाज के जो असहाय लोग हैं, हम भगवान परशुराम जी में आस्था रखते हैं, उनकी निगरानी में हम लोग एक काम करना चाहते हैं कि एक प्रतीक चिन्ह भगवान का बने, उस बैनर के नीचे हम अपने समाज की सेवा कर सकें। समाजवादी पार्टी का ये एक निर्णय है कि लखनऊ में भगवान परशुराम की मूर्ति लगाएंगे। यूं तो सभी को हक है किसी भी राष्ट्र पुरुष की और भगवान की मूर्ति लगाने का, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपत्ति इस बात पर है कि जब वोट की स्थिति आए तो ब्राह्मणों की जरूरत है, भगवान परशुराम की मूर्ति की जरूरत है। और जब समाजवादी पार्टी सरकार में थी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती के प्रकरण को जब मैंने प्रदेश अध्यक्ष उठाया था तो केवल तीन जिले इटावा, इटार, मैनपुरी और एक बिरादरी के अलावा और दूसरी अल्पसंख्यक बिरादरी के अलावा सफल प्रतियोगियों में कोई इसमें नाम नहीं था। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।